गाइज, आप सब ने हमारी स्ट्रीट फूड वाली वीडियो को इतना प्यार दिया, तो हम फिर से आज ले आए हैं ढेर सारा स्ट्रीट फूड जो कि होममेड है। तो गाइज, आज का चैलेंज बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारा स्ट्रीट फूड जो है। तो यहाँ पर है सबसे पहले स्पाइसी कोरियन नूडल्स, और इधर ले रखे हैं वेज मोमोज जो कि होममेड है, और इधर हमने ले रखे मैक्रोनी, और साथ में है वेज मंचूरियन, और ये साथ में होममेड नूडल्स, और इधर एक्स्ट्रा मंचूरियन ग्रेवी भी ले रखी है, और साथ में ढेर सारे दही वाले गोलगप्पे, साइड में चिप्स, और ड्रिंक में हमने सॉफ्ट ड्रिंक ले रखी है। तो गाइस, आज का चैलेंज बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। हाय गाइस, मैं भूवी, मैं नैना, आप सभी का स्वागत करते हैं भूवी डिंग शो पे। तो जो चैनल पर नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के इस मजेदार से चैलेंज को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, चलो फिर करते हैं इस चैलेंज को स्टार्ट। पहले शुरुआत करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक से। चीयर्स गाइस, चीयर्स। तो पहले शुरुआत कहाँ से करें? पहले हम शुरुआत करते हैं दही वाले गोलगप्पे से, जो कि हमारे बहुत फेवरेट। तो चलो पहले दही वाले गोलगप्पे से करते हैं स्टार्ट। बहुत ही टेस्टी और बेहतरीन बने हुए हैं। गाइस, सारी चीजें हमने घर पर ही तैयार की हैं, गोलगप्पे से लेकर नूडल से लेकर और मोमो से लेकर सभी चीजें होममेड है। बहुत ही टेस्टी, देख सकते हैं कितनी दही स्टफ की हुई है अच्छे से, और ऊपर से पोमेग्रेनेट। गोलगप्पे में जो चटनी डाली हुई है ना, वो भी होममेड है। गोलगप्पे तो हमारे फेवरेट है। मजा आएगा क्या इसको? ऑल टाइम फेवरेट। स्ट्रीट फूड में हम गोलगप्पे खाना पसंद करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो दही पूरी तो हो चुकी है फिनिश, तो अब करते हैं ट्राई होममेड बने हुए मोमोज। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा है इनका साइज, फुली वेजेस भरी हुई हैं इसमें। इसको हम डिप करके खाएंगे मंचूरियन की ग्रेवी के साथ। तो फर्स्ट बाइट मैं नैना को खिलाऊंगा आज। तो गाइस, दे सकते हैं फीलिंग, मैं भी दे लेता हूँ कैसा है ये खाने में। मंचूरियन की ग्रेवी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है।
आज हमने मोमोज की चटनी नहीं बनाई। मैंने नैनो को पहले ही कह दिया था कि मंचूरियन की ग्रेवी के साथ खाएंगे मोमोज। अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो कैसा टेस्ट लगा ना मोमोज का? तो मोमोज तो अब ख़त्म हो चुके हैं, अब हम ट्राई करते हैं वेज मंचूरियन। यस, वेज मंचूरियन, इसको करेंगे ग्रेवी में डिप। मैं ट्राई खा लेती हूँ। तो कुछ ऐसा गाइस, वेज मंचूरियन टेस्टी है। अच्छा बना हुआ। अंदर से सॉफ्ट और जूसी है।
तो गाइज अब मैं टेस्ट करूंगा कोरियन नूडल्स, और तुम? और मैं ट्राई करूंगी वेज हाका नूडल्स, क्योंकि नैना को तो स्पाइसी फूड पसंद ही नहीं, इतने स्पाइसी कोरियन नूडल्स खाओगी? नहीं, आप ही खाओ। स्पाइसीनेस को झेलने की मेरी आदत हुई हुई है, नैना को भी तो झेल रहा हूँ। मुझे भी ना करेले अच्छे लगने लग गए हैं, क्योंकि मैं तुम्हें झेल रही हूँ कड़वे करेले। बहुत ही स्पाइसी थी गाइस कोरियन नूडल।
स्पाइसी लेकर इतने आते हो? हाका नूडल टेस्ट कर लेते हैं। ये अच्छे बने हुए हैं, ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। ये नूडल मैंने खुद को ध्यान में रख के बनाए हैं। इसमें मंचूरियन की ग्रेवी डाल दी ना और अच्छे बन गए। हाका नूडल्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, स्पाइसीनेस कम कर दी मेरे कोरियन नूडल की, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। गाइस आपने क्या कोरियन नूडल्स ट्राई किए हैं 2x स्पाइसी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा टेस्ट और कितनी स्पाइसीनेस लगी। नूडल खत्म हो गए, वेजीज रह गई। ओके तो स्पाइसी कोरियन नूडल्स और हक्का नूडल्स तो हो चुके हैं फिनिश, तो आप ट्राई करते हैं होममेड बनी हुई मैक्रोनी। टेस्टी बनी हुई है। खानी थोड़ी सी मुश्किल है, स्पून में रखते हैं फिसल जाती है।
सो गाइज, आज का होममेड बना हुआ स्ट्रीट फूड की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे जल्दी, जो कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। टिल टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।